छत्तीसगढ़ पुलिस की जनमित्र योजना इन दिनों जोरों पर है। नगरनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुलनार के हाई स्कूल में थाना प्रभारी द्वारा चौपाल लगाकर लोगों को सामुदायिक पुलिस और मजबूत पुलिस के बारे में जानकारी दी गई। जनमित्र योजना लोगों के बीच समन्वय और संबंध स्थापित करने की कार्य प्रणाली है, जिसमें आम नागरिकों को पुलिस के फायदे और अपराधों से बचने के विषय में जानकारी दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से ग्राम रक्षा समिति का भी गठन किया जा रहा है। इस योजना के तहत ऑनलाइन ठगी, एटीएम फ्रॉड, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी योजना अंतर्गत सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ बैठक और चौपाल लगा रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों से जन सहयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों के साथ ठगी, ऑनलाइन ठगी, एटीएम फ्रॉड, फेसबुक, व्हाट्सएप से होने वाले अपराधों एवं यातायात नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। वहीं संदिग्ध व्यक्ति घूमने वालों पर भी नजर रखने की बात कही जा रही है। जगदलपुर CSP हेमसागर सिदार ने बताया कि कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले गांवों में पंच, सरपंचों और युवाओं, बुजुर्ग के साथ बैठक करके ग्राम रक्षा समिति बनाई जाएगी। साथ ही जन मित्र भी बनाए जाएंगे, जिन्हें समय समय पर थाने से संबंधित कार्यों की जानकारी दी जाएगी और सहयोग के लिए थाना बुलाया जाएगा। इसके अलावा ग्राम रक्षा समिति में कम से कम 10 लोगों की टीम बनाई जाएगी, जो लगातार संबंधित थानों के संपर्क में रहेंगे। रक्षा समिति और जन मित्र योजना के माध्यम से पुलिस विभाग द्वारा ग्रामीणों और शहरी नागरिकों को आपराधिक मामलों में सहयोग एवं नियमों के पालन के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए RL कुर्द। सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत आज थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उल्लार में पुलिस जनमित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और ये जो मूलतः जो पुलिस जनमित्र योजना है, पुलिस और जनता के मध्य जो है एक समन्वय और संबंध स्थापित करने वाला एक कार्यप्रणाली है, एक कार्यक्रम है। इसमें जो है आम पब्लिक जो है अपनी जो समस्याएं हैं वो पुलिस के समक्ष रखती है और पुलिस के द्वारा यथासंभव जो है अपने स्तर पर मौके पर निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। इसी तारतम्य में आज थाना नगरनार के द्वारा ग्राम बुलनार में पुलिस जनमित्र योजना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में जो है आम पब्लिक को जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जिस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं, जैसे कि साइबर अपराध, मोबाइल फ़ोन करके जो ऑनलाइन ठगी, इन संबंध में जो है आम पब्लिक को अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है डायल 112 के संबंध में भी जो है आम पब्लिक को अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें गुड टच, बैड टच, इसके संबंध में अवगत कराया गया है। और जो चिट फंड कंपनियों के द्वारा जो है आम पब्लिक से किस तरीके से जो पैसा लेके जो है ठगी किया के मामले सामने में आए हैं, इस संबंध में भी जो है आम पब्लिकों को अवगत कराया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है जो इस क्षेत्र में जैसे ड्रिप सिस्टम या कृषि लोन के नाम पर जो है बिचौलियों के द्वारा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए RL कुलदीप की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं ये तो सुना ही था, लेकिन बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़कर पानी भर रहे हैं, यह घटना धमदा ब्लॉक के आकोली के मिडिल स्कूल में देख भी ली गई है। आज धमदा ब्लॉक के मिडिल स्कूल में ऐसी ही घटना देखने को मिली है। यहाँ लगभग 66 छात्र छात्राएं हैं, जिनमें से 35 बालक और 31 बालिका है। घटना सुबह लगभग 11 बजे की है, जब बालक और बालिका नंगे पाँव अपने साइकिल से आधा किलोमीटर से पानी ला रहे थे। बच्चों से पूछने पर बताया कि हम लोग लगभग सप्ताह भर हो गया है साइकिल से पानी लाते हैं और बालकों ने ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने की गुहार भी लगाई है। इतना ही नहीं, हैरान कर देने वाली घटना यह भी है कि इनके साथ बालिका भी थी, जो बालकों के साथ पानी लाने के लिए मजबूर थी। जब स्कूल में जाकर हेडमास्टर घनश्याम देवांगन से बात करने पर बताया कि यह केवल 2 दिन से ऐसी घटना है, हमारे स्कूल के हैंडपंप खराब हो गया है, जुलाई के माह में जल का स्तर नीचे चले जाने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने ग्राम के सरपंच से भी बात की है। इतना ही नहीं, इसकी जानकारी BOA के खरे को मौखिक जानकारी भी दी है। इसके साथ ही इस स्कूल में 2 बार खनन किया गया, लेकिन बोरिंग में पानी निकला ही नहीं। हेडमास्टर घनश्याम ने बताया कि हमें मध्याह्न भोजन भी देखना है, बच्चों को खाना भी खिलाना है, ऐसे में हम क्या करें। मौके की जानकारी है, जल्द ही निराकरण कराया जाएगा। इसके लिए ग्राम सरपंच और सचिव से भी बात की गई है, जल्द से समाधान किया जाएगा। हम लोगों को 1 सप्ताह हो गया है पानी लाते हुए, हमको दीदी भी बोलती है पानी लाने के लिए। आपसे निवेदन है सर, इससे छुटकारा दिलवाया जाए। क्या नाम है आपका? साउथ ठेलका। ठेलका से हूँ, ठेलका चौक से। ये अभी कहाँ पानी ले जा रहे हो आप लोग? स्कूल ले जा रहे हो? कब से ला रहे हो पानी? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया,
और कुछ बोलते नहीं है आप लोगों को? अगर दूसरा नहीं बोलते कुछ, पानी क्यों लाते हो करके? नहीं बोलते, ऐसी समस्या है यहाँ पे। चलिए ठीक, ये पानी आप लोग कब से ला रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? 5-6 दिन से हो गया। तो ये पानी आप ही लोग लाते हो कि कोई स्कूल के कोई? कौन बोला आप लोग ये लाने के लिए? सर लोग भी बोलते हैं, दीदी लोग भी बोलते हैं। यहाँ पे बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं है? नहीं है, लेकिन पानी नहीं चलता, आधे घंटा चलता नहीं। कौन से स्कूल है ये? राजकीय उच्च प्राथमिक शाला अकोली। अकोली, क्या नाम है आपका? रोहन। कुल ग्राम अकोली में बच्चे साइकिल से पानी ला रहे हैं, ये समस्या कब से है सर? ये 2 दिनों से है, लेवल डाउन हो गया, अभी बारिश नहीं हो रही करके, और ये समस्या तो हमको सर हर साल जुलाई में झेलना ही पड़ता है। तो आप समस्या का मांग रखे कि नहीं रखे? मांग रखे हैं, और उसके एवज में आपके PHU विभाग ने 2 बोर भी किया है, लेकिन यहाँ पानी ही नहीं निकलता। पानी की समस्या है, पानी की समस्या है। इस लेवल इस पूरे एरिया में ही कहीं कोई स्रोत नहीं है सर पानी का। अच्छा, तो पंचायत से हमने निवेदन भी किया था कि बाहर से पाइपलाइन बिछा के यहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाए करके, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ है। इसके बारे में आपने BO और DO को जानकारी दी है? लिखित जानकारी दी? लिखित जानकारी भी पूर्व में दिए थे, इस बार मौखिक जानकारी अभी 2 दिन पहले मैंने BO साहब खुद आए थे उनको दिया हूँ। क्या नाम लिखे सर? TV1 इंडिया न्यूज के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। अंबिकापुर से शिवनगर तक निर्माणधीन नेशनल हाईवे क्रमांक 130 में ठेकेदार कंपनी द्वारा नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें छड़ का उपयोग कुछ जगहों पर नहीं किया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब ग्राम डांड गांव गुमग्गा चौक के समीप एक पिकअप अनियंत्रित होकर नाली से टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और उसी वक्त दुर्घटना में पिकअप तो क्षतिग्रस्त हुई ही, साथ ही नाली का ऊपरी हिस्सा भी टूटा, तो पता चला कि उस हिस्से में छड़ ही नहीं डाला गया है। इस एक जगह पर घटिया और स्तरहीन निर्माण ने सड़क निर्माण करने वाली कंपनी की पोल खोलकर रख दी। इनके द्वारा किस तरह का निर्माण किया जा रहा है, इसे साफ समझ आ सकता है। सड़क पर सिंगल लेन का काम होने के बाद जहां दूसरी ओर दूसरे लेन का काम चल रहा है, उन जगहों पर संकेतक तक नहीं लगाए गए हैं। इससे लगातार दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। फिर भी कंपनी के लोगों को यह सारी कमियां दिखाई नहीं देती और उनकी नजर में सब कुछ ठीक चल रहा है। कहीं न कहीं इन सबके पीछे अधिकारियों की मौन सहमति और सतत मॉनिटरिंग के अभाव में इस तरह के घटिया निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। आने वाले दिनों में उनसे होने वाली परेशानियों से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। घटिया निर्माण के बारे में सड़क निर्माण करने वाली कंपनी TV प्रोजेक्ट के मैनेजर से शिकायत करने पर उनके द्वारा ग्रामीणों की बात को अनसुना करते हुए कहा गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि छड़ न डाला गया हो। स्थानीय ग्रामीण राजेंद्र संदीप, दिनेश सहित मनीष पांडे व अन्य लोगों द्वारा इस बात की शिकायत तत्काल नेशनल हाईवे के SDO से की गई। इस संबंध में नेशनल हाईवे के SDO नितेश तिवारी से मोबाइल से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि इस बारे में सूचना मिली है, वहां पर 1 मीटर तक छड़ डालने के बाद एक्सटेंशन दे दिया गया था, वह गलत हुआ है। NHAI की सुपरविजन करने वाली टीम वहां जाकर उसे काट कर देखेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। संदीप गुप्ता, ये हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, क्या कौन सा गांव है, क्या बोलते हैं? डाड़ का गुमगा चौक। गुमगा चौक, ये आपके बगल में जो ये नाली नेशनल हाईवे में बन रहा है, उसके बारे में आप लोगों को क्या बोलना है, क्या दिक्कत है, किस तरह का है? ये सब डुप्लीकेट बन रहा है, दिख तो रहा है, छड़ उड़ कुछ है ये नहीं जिसमें। छड़ सिर्फ यहीं पे नहीं है कि कहीं पे भी नहीं? कहीं पे नहीं होगा, सब इधर दिख रहा है। अच्छा, तो ये घटिया निर्माण जो हो रहा है उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? घटिया निर्माण इसलिए हो रहा है, इसको अच्छा से बनाए, थोड़ा मजबूत बनाए, आए वाले भविष्य में ऐसा ना हो दुर्घटना। कोई दुर्घटना भी हुआ है क्या? अभी हुआ है, पिकअप देख ली। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र कुमार अग्रवाल। ये हम लोग किस जगह पे खड़े हैं? ये गुमगा। ये जो सड़क निर्माण और नाली निर्माण है, हाँ हाँ, उसके बारे में आप लोगों का क्या बोलना है? मैं इसमें बोलना है कि बगल के ना गड्ढे भरे हैं लोग ना कुछ, पूरा गड्ढे कर करके बगल में खोद के रख दिए हैं रोड वाले, पूरा ना इसमें छड़ डाले हैं, देख रहे हैं नाली का, इसके सामने का हाल, ये सामने साक्षात इनका प्रमाण दिख रहा है इसका, ये लोग क्या स्थिति नाली की बनाए हैं लोग, क्या किए हैं, क्या अभी आप लोगों का क्या मांग है? हाँ, मांग ये कि पूरे गड्ढे भरे जाए, बढ़िया से रोड बनाया जाए, एक लाइन से पूरा ना काम किया जाए, ना बगल में ईंट बिछाए हैं ना कुछ। पहले लोग बोलते थे कि नहीं घर तोड़ो घर तोड़ो, हम तत्काल ईंटा बिछाएंगे, इसमें हमारा तैयार है, ईंटा बन के रेडी है, तैयार है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उदयपुर।
डोंगरगढ़ में वार्ड नंबर 14 में प्रधानमंत्री आवास योजना की खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको जानकारी होगी कि 4 दिन पहले बारिश हुई थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खुली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 14 के निवासी विमला बाई साखरे का मकान बनाया गया है, जिसके ठेकेदार प्रमोद ठाकुर को बताया गया है, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता भी हैं, जिसको डोंगरगढ़ विधायक व जिले के एक बड़े नेता का समर्थन है। मकान मालिक का कहना है कि प्रमोद ठाकुर ने 10,000 से लेकर 20,000 रुपए अधिक रुपए ले चुके हैं, पर आज तक उस घर का काम पूरा नहीं हुआ है। आज देखने को भी मिला है कि पूरे डोंगरगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, वह पूरे विधानसभा में प्रधानमंत्री की योजनाओं की किस तरह से नकारा गया है। अब देखना है कि प्रशासन क्या करती है प्रधानमंत्री योजनाओं का। आपका नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ये घर बनी है, आप कितने दिन से रह रहे हो उसमें? अभी तो 2 महीना नहीं हुआ, यहाँ आए हो तो। प्लस्टर वस्तर करके दिए कि नहीं दिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया, सब हमने किए अपने पैसे से। और इसका जो राशि है वो पूरा आ गया है आपके खाते में? नहीं मालूम बेटा, वही निकाल रहा था, वही दस्तखत ले जाके फिर हमारे को दोबारा। ठेकेदार कौन है? क्या नाम है? प्रमोद नाम है ना उसका, प्रमोद ठाकुर। आपने दो बार क्या, वही दो जगह क्या, दो तीन दो जगह बस दस्तखत किए, बस हो गया। हाँ। बाकी कभी ये दस्तखत नहीं किए? नहीं, मुलाकात ही नहीं हुई। बैंक जाके की होगी? कहाँ की? बैंक में लेके था वही दोनों को, मेरे दीरानी और मेरे को, दोनों को लेके गया था जी, अपने गाड़ी में ले गए। और काम कितने दिन से बंद है? बहुत दिन से बंद है, उसका भले बन गया अच्छा थोड़ा सा, मगर मेरा तो एकदम खाली 4 दीवारें उठा दिया और छत डाल दिया, वो भी छत का कोई ठिकाना नहीं। लकीर कब तक के पूरा करके दूंगा? करके तो थोड़ा सा 17 दिन में करूंगा करके, उसको 17 दिन क्या बोलने की मजबूरी। बारिश पानी में अभी 2 दिन का जो बारिश पानी गिरी है, उसमें आपका अंदर का हाल क्या है? पूरा पीछे से पानी यहाँ तक आता है, पीछे पूरा पीछे का ठिकाना नहीं है, न यहाँ का ठिकाना नहीं है, न छत बनाया, न क्या बोलते हैं सज्जा कुछ भी नहीं बनाया। तो हम लोग कर्जा बोली करके अभी अंदर में थोड़ा सा, कहाँ जाएंगे बेटा, किस क्या जगह मिलते हैं आजकल बरसात में। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, डोंगरगढ़। पेंड्रा इलाके में आज अवैध मोरंग उत्खनन की सूचना पर मौके पर पहुंचे राजस्व विभाग के निचले कर्मचारी के द्वारा एक जेसीबी 5 ट्रैक्टर को रंगे हाथों तालाब के अंदर से मोरंग का अवैध उत्खनन करते पकड़ा गया। पर कार्यवाही के लिए राजस्व टीम के पहुंचने से पहले ही जेसीबी समेत 5 ट्रैक्टर मौके से गायब हो गए और फिलहाल राजस्व अधिकारी मामले में आगे कार्यवाही किए जाने की बात कह रहे हैं। ये मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के दुबटिया कुदरी मुख्य मार्ग का है, जहाँ मुख्य मार्ग पर एक तालाब के अंदर एक जेसीबी और 5 ट्रैक्टर लगाकर मोरंग का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। तहसील कार्यालय ने मामले की सूचना मिलने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर विभाग के निचले कर्मचारी कोटवार को मौके पर भेजा, जिसके बाद मौके पर कोटवार ने पहुंचकर जेसीबी समेत 5 ट्रैक्टर को तालाब के अंदर से मोरंग का उत्खनन करते रंगे हाथों पकड़ा और सभी वाहनों को काफी देर तक रोक रखा था और उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी भी दी। उसके बावजूद कार्यवाही के लिए राजस्व टीम पहुंचने से पहले ही जेसीबी समेत 5 ट्रैक्टर मौके से गायब हो गए। फिलहाल मामले में तहसीलदार का कहना है, सूचना पर उनकी टीम मौके पर पहुंचने से पहले ही जेसीबी और 5 ट्रैक्टर वहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल प्रशासन ने आगे की कार्रवाई किए जाने की बात की है। भैया नाम बताइए। मेरे नाम सोच रहे हैं। बताएंगे ना, नाम बताइए ना। संतरा। क्या करते हैं आप? यहाँ पर कार्रवाई की गई है, अवैध उत्खनन हो रहा था, तो कितनी गाड़ियों को रोका है आपने? 5 गाड़ी रोका है। 5 गाड़ी, 1 जेसीबी। तो अभी फिलहाल क्या कार्रवाई कर रहा है राजस्व विभाग? अब अधिकारी आ जाए तो अधिकारी करेंगे। अधिकारी आ रहे हैं? हाँ। मौके पे निकल गए हैं? हाँ। किस प्रकार का ये उत्खनन कर रहे थे, कहाँ पर कर रहे थे? ये तालाब, सामने तालाब है जी। अब हमको तहसील से सूचना मिला है, तहसील से शिकायत हुआ है जी, तहसील तक पटवारी साहब से बताए कि जाओ तो देखो पता करो, हम आए हैं। फिर अभी कौन कौन आ रहा है मौके पे? अब वो तो आप। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट, पेंड्रा छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाइफलाइन कहे जाने वाले संजीवनी 108 और महतारी 102 के कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर निकलने वाले हैं। निकाले गए कर्मचारियों की काम में वापसी और ठेका प्रथा मुक्त को लेकर कांग्रेस सरकार और जीवीके कंपनी के खिलाफ 23 जुलाई को वादा निभाओ रैली निकालेंगे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष मई जुलाई 2018 को प्रांत आह्वान में कर्मचारी अपने मांगों को लेकर आंदोलन किए, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे माननीय भूपेश बघेल स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इनके मंच में जाकर आंदोलन को समर्थन किया था। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम 108 और 102 को ठेका प्रथा से मुक्त कर इसे स्वयं संचालित करने का वादा किया था, परंतु सरकार आने के पूरे 6 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार अपने वादों को पूरा करना तो दूर, हड़ताल के दौरान बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की बहाली भी नहीं कर पाई। आपको बता दें कि कांकेर जिला के 14 कर्मचारियों सहित पूरे प्रदेश में 556 कर्मचारी की बहाली अभी नहीं हो पाई है। पूरे साल भर बेरोजगारी का मार झेलते कर्मचारी अपनी बातों को लेकर कई बार तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिल चुके हैं, फिर भी उनके खुद के द्वारा किए गए वादों को याद नहीं है। संजीवनी 108 व 102 के कर्मचारी लंबे समय से जीवीके कंपनी के शोषण का विरोध कर रहे हैं। जीवीके कंपनी द्वारा 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारियों से श्रम नियम के विपरीत 12-12 घंटे का कार्य कराया जाता है, जिसका किसी भी प्रकार से OT भी नहीं दिया जाता है। विरोध करने पर दूर स्थित जिले में स्थानांतरण अथवा नौकरी से ही बाहर कर दिया जाता है। साथ ही सरकार के द्वारा आवंटन गाड़ियों को भी कंपनी के द्वारा सही समय में मेंटेनेंस नहीं करवाया जाता है। मेंटेनेंस के नाम पर कंपनी के अधिकारी अपनी झोली भर करवा लेते हैं लीपापोत। पूरी गाड़ियां 5 से 7 वर्ष में 3 से 4 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, फिर भी गाड़ियों का रिप्लेस नहीं हुआ है। जबकि परिवहन विभाग की माने तो किसी भी गाड़ियों का परमिट 2 से 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद रद्द माना जाता है। ऐसे में कर्मचारी नौकरी खोने के डर से अधिकारियों के दबाव के कारण अनफिट गाड़ियों को चलाने पर मजबूर है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विजय साहू की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। मरवाही वन परिक्षेत्र के मेडुका गांव में आज 2 भालुओं ने एक ग्रामीण के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल युवक को किसी तरह इलाज के लिए सैनिटोरियम के MCH अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं भालू लगभग 1 घंटे तक गांव के आसपास मौजूद था, जिसके बाद ग्रामीणों और वन विभाग के लोगों ने भालू को जंगल की ओर खदेड़ दिया। तब कहीं ग्रामीण ने राहत की सांस ली। ये मामला मरवाही वन परिक्षेत्र के खंता मेडुका बीच का है, जहां पर आज सुबह गांव के रहने वाले सत्यनारायण काशीपुरी जो अपने घर के आंगन में था, तभी उसकी नजर भालू पर पड़ी, जिसके बाद तत्काल सत्यनारायण ने अपने पुत्र को आवाज देते हुए तत्काल सुरक्षित घर के अंदर जाने को आवाज देते हुए भगाया और भागते समय पैर में पेड़ पौधा फंस जाने के चलते वो गिर गया, जिसके बाद 2 भालुओं ने सत्यनारायण के ऊपर हमला कर दिया। सत्यनारायण पास पड़े एक पत्थर की मदद से भालू पर हमला किया और ग्रामीणों की आवाज सुनकर भालू भागा। तब आसपास के ग्रामीण किसी तरह घायल सत्यनारायण को इलाज के लिए गौरेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र MCH में भर्ती कराया, जहां पर सत्यनारायण 22 टाके लगे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने भालुओं को जंगल की ओर खदेड़ दिया। फिलहाल वन विभाग ने आसपास के गांवों में कोटवार के माध्यम से मुनादी करा दी। भैया नाम बताइए आप अपना। चूड़ामणी प्रजापति। प्रजापति जी, क्या हुआ है, ये शख्स को लेके आए हो आप लोग हॉस्पिटल में? शख्स को लेके सर यहाँ इलाज कराने के लिए अपन लोग लेके आए, लेकिन यहाँ दवाई का भी कोई प्रावधान नहीं है। घटना क्या हुई है? घटना भालू का हमला हुआ है। कितने भालू रहे भैया? 3 भालू है। कैसे कैसे हमला हो गया? ये बाड़ी में काम कर रहा था सत्यनारायण नाम का, 3 भालू ने आया बाड़ी साइड से, चारों साइड से गांव वाले ने घेरे उसको, पहले भालू को भगाने के लिए यानी कि कर रहे थे, तो एक भालू आके हमला किया तो दूसरा भालू आके झपट गया, तो ये जान बचाने के लिए पूरा गांव वाले फिर इकट्ठा हुए तो भालू छोड़ा, तो इसको तुरंत अपने साधन से अपन लोग सैनिटोरियम लेके आए। वन विभाग की जो इसमें देखा जा रहा है लापरवाही सामने आ रही है, फोन लगाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। जी वो मौके पर नहीं पहुंचा, ना ही फोन रिसीव कर रहे हैं अपन लोग का, वो लोग कोई नहीं कर। अभी भालू कहाँ है? अभी गांव में फिलहाल भालू तो उत्पात मचा रहा है। जी उत्पात मचा रहा है बाड़ी में पूरा। जी भैया एक बार नाम बताइए आप अपना। चूड़ामणी प्रजापति से सूचना मिली तो वन विभाग का अमलापुरा वहाँ पहुँचा भालू को रोक दिया। एक पुरी है कुटवार जो सत्यनारायण नाम का है, उसके बाड़ी में था वो, शायद फाटक खोल के बाहर शौच के लिए जा रहा था, उसी समय उसके ऊपर हमला किया। कितने भालू थे दादा? 3 भालू थे। अभी कहाँ ये भालू? ये भालू अभी 1414-1415 जंगल की ओर आ गए हैं सर। तो अभी एहतियातन कुछ जानकारी मैंने गांव में मुनादी वगैरह कराया? हाँ गांव में मुनादी अभी क्योंकि तत्कालिक वाला रहा है, फिर भी कुटवार को बता दिया गया कि मुनादी करा दो और सुरक्षा के लिए पूरा व्यवस्था की गई है।
फिलहाल अभी जो घायल है उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति अभी सामान्य है और उचित का उपचार के लिए सिंटूरिया हॉस्पिटल गोरिल्ला भेजा गया है। क्यों आया था भालू, कोई बता सकते हैं? भालू का एक असल में है क्या कि माने जंगल से कभी कभी उनका रूट जो है तो बीही प्लाट फल उद्यान की ओर जाता है और अचानक मतलब उसी रास्ता से आए, लौटने में लेट हो जाता है उनको, ऐसा हो सकता है, ऐसा समाप्त है। ठीक है, टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। बेमेतरा जिला के मुख्यालय की बिरला ब्लॉक के ग्राम डंगनिया खा में चाचा ने भतीजे की जमीन को फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर व्यक्ति के नाम से जमीन को किया विक्रय। इस मामले को शिकायतकर्ता ने जनदर्शन के अलावा तीन मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। बीते रमन सरकार द्वारा प्रदेश की शिकायत व समस्याओं के निराकरण के लिए जनदर्शन आरम्भ किया गया था, वही अब भूपेश सरकार द्वारा जन चौपाल का संचालन प्रदेश की जनता के लिए किया जा रहा है। यह कार्यक्रम फ्लॉप ही साबित हो रहा है। फर्जी मृत व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री हुई है, वो भी उसे मरे हुए 10 वर्ष हो चुका है। राजनेताओं के अलावा अधिकारी कर्मचारियों के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। ऐसे में न्याय कब मिल पाएगा, यह तो समस्या से परे है। का हो गया लहरी भाई, काबर घूमत है? मैं बकर गौर घूमत हूँ कि जो जमीन दे मोर फुफू है डेढ़ एकड़ के, काका भती जल दे रही तक सबो जमीन ला बेच दे है, फर्जी ऋण पुस्तिका बना दे है। 26/11/93 कोंदा मौत हो गए, थाना से रिकॉर्ड निकाले हमारे और 97 में रजिस्ट्री करे है, तब अधिकारी का फैसला करीस, मोर बर तू कुछ नहीं करीस, आज लदर दर में ठोकर खाता हूँ। क्या साल हो गए इसमें भटकर? 2014 से किंजरत हूँ मैं। का लगते मुर्दा रजिस्ट्री करे, का लगत इसे कैसे दिखा था? इस भारत के संविधान ला कौन बनैया है और कौन बिगाड़ने वाला है, तो मैं तिरंगा झंडा धर के अपन दरवाजा में गड़िया के और ओला अधिकारी गलत करे तो मैं जेल भेजा, मोर बाप क्यों नहीं हो जाए उल जेल भेजा, संविधान में देश के नहीं बिगड़न दम है, मोर ये कहना है। का बोलते जाता था अधिकारी मन है? अभी वो दिन आ रहे हो तो कहते सिविल कोर्ट लगाओ, सिविल कोर्ट में का करूँ, मोर खाए बर आज चाउर नहीं, परिवार दर दर ठोकर खा, मैं खा कमाल सिविल कोर्ट करा, अभी आया तो किराया करके आया दूसरे में। तो का मुर्दा रजिस्ट्री करे का कहा थे, कैसे रजिस्ट्री हुई? मुर्दा रजिस्ट्री करे है, ऐसे नहीं हो सका ना, जिया जियत आदमी रजिस्ट्री भारत में करत हो तो अच्छा है, मरे आदमी करत हो तो मोल बतावा और मोल सजा या आपदा, मैं अपन देश के संविधान और कानून ला नहीं बिगड़न दा। तो यहाँ का हो है, कैसे रजिस्ट्री मुर्दा कर देगा? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, बेमेतरा।